अहम खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी में बगावत के सुर हुए तेज। जबरेरा विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थक पहुंचे बीजेपी मुख्यालय, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरोध में कर रहे नारेबाजी। देशराज करने वालों को टिकट न देने की एवज पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बाहरी लोगों को किया जा रहा पार्टी में शामिल। तो पार्टी को लेकर के एक बार फिर, टिकट्स को लेकर के एक बार फिर बगावती सुर यहां पर देखे जा रहे हैं। चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस हिसाब से टिकट वितरण और लिस्ट में उम्मीदवारों को उतारने के बाद से यहां बगावती सुर देखे जाते हैं, फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब से उम्मीदवारों की लिस्ट यहां फाइनल हुई है तभी से ये बगावती सुर सामने आने लगे। इसी बीच बीजेपी में बगावत के सुर काफी तेज होते नजर आ रहे हैं। जबरेरा विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थक बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के विरोध में नारेबाजी भी की। देशराज ने बोला कि काम करने वाले लोगों को टिकट नहीं दे रही है, दी जा रही है, और इसी के विरोध में वो नारेबाजी करते नजर आए। उनका कहना है कि बाहरी लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, लेकिन जो लोग पार्टी में हैं उन्हें टिकट ही नहीं मिल रहा। तो अहम खबर आप तक पहुंचवा रहे हैं क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है और ऐसे चुनावी समय में चुनावी सरगर्मियां जिस हिसाब से तेज होती नजर आ रही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसी से छुपी नहीं है वो चुनावी सरगर्मियां। और इसी बीच जिस हिसाब से बीजेपी में भी बगावती सुर देखने को मिले, फिर चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर जगह पर बगावती सुर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और इन बगावती सुरों में जो चीजें अहम ये हो जाती है कि जिस हिसाब की राजनीति की जा रही है, राजनीतिकरण जिस हिसाब से हो रहा है, उन सबके बीच ये बगावती सुर इस प्रकार से उभर रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने तक की बात यहां पर पहुंच चुकी है।